पेड़ है, यहाँ पे भी आस्था से पूजा की जा सकती है। देखो कितना प्यारा ये दृश्य लगता है, कितना आनंद है। आप देखो एक बार इस जगह पे आकर आप देखो कितनी शांति है। देखो कितना ऊंचा है, इसकी छांव में बैठो एक बार पूजा करो, फिर आपकी आस्था जो भी आपका विषय सब पूरा हो जाएगा। अरे माता से कितने पेड़ पौधे हैं, और मैं आपको मंदिर के बाहर से दिखा देती हूँ। ये देखो मंदिर कितना ऊंचा है, साथ ही साथ हरियाली भी है। यहाँ पे भी मंदिर जी कैसे बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसको कमेंट में ज़रूर बताना है आपको मंदिर कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर इधर आना। देख सकते हो आप ये मंदिर कितनी खूबसूरत है। और ये वो छोटे मोटे ये सब भी ले अच्छे से, मेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। गाड़ी में देख रहा है इसको, को इतना ऊंचा है। ये देखो मैं आपको पूरा इस मंदिर का 1.5 लाख ग्राम लग रही होती। ये देखो इसके बाहर का नज़ारा, अब देखो अंदर का। ये बहुत पुरानी मंदिर है, इस मंदिर में बहुत लोग आशा से आते हैं। और भगवानों को देख लो, ये चीज़ें, ये नंदी महाराज है, ये पार्वती वो हैं, और ये कार्तिक जी, और ये महादेव जी। हम अब ध्यान से देख लो, आप हो सके तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आना। ये देखिए अगर आप इनके कान में अपनी विश बोलोगे वो ज़रूर ये पूरी कर देंगे। चाहो तो आप इसमें भूल के एक बार देखो जाता। आज मैं आपको दिखाऊंगी पुरानी एक मंदिर, देख लीजिए महादेव की है। ये देखो अंदर महादेव है, ये रहे, ये देखो ये नानी पूजा कर रही है। ये देखिए ये बहुत मन्नत वाली मंदिर है, ये मंदिर में जो भी कोई कुछ भी मांगता है उसकी वो विश पूरी हो जाती है। ये देखो आप, ये देखो ध्यान से, ये देखो अंदर देखो, ये देखो आप कैसे लग रही है। क्या दीदी और अंडा भगवान की पूजा में ध्यान लगाओ, चलाओ फूल फूल फूल, बस हो गई बेटा, बस हो गई, बंद करो और फूल लाओ। हां नहीं है बंद, वो एक ने बोला कहीं अब जैसे भगवान की पूजा है आपकी।